नमस्कार, YouTube परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का 1 से लेकर 18 तक ऑब्जेक्टिव किया था, आज हम 18 से आगे करेंगे। तो आपसे हम एक अनुरोध करेंगे कि ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इस सवाल को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन दिए हैं, उस इंट्रोडक्शन में जाकर आप पहले देखें, पुनः इस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो में जितने भी सवाल आएंगे 100% आप स्वयं से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है 2 tan inverse x = तो पहले जान लीजिए 2 tan inverse x = कितने फॉर्मूला होते हैं। तो चूंकि 2 tan inverse x = सबसे पहला फॉर्मूला होता है tan inverse 2x बाय 1 - x² और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x = sin inverse 2x / 1 + x². फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो 2 tan inverse x = cos inverse 1 - x² / 1 + x². यानी ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो आप मैच कीजिए कि कौन से ऑप्शन से मिल रहा है। तो सबसे पहला 2 tan inverse x = tan inverse 2x / 1 - x². कहीं पर है? नहीं है। चलिए दूसरा फॉर्मूला 2 tan inverse x = sin inverse 2x / 1 + x। हाँ, ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है। सिर्फ इस पाई के जगह पर आप क्या कर दीजिएगा, एक्स, क्योंकि मिस्टेक से टाइपिंग में पाई यानी लिखा गया एक्स के जगह पर, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए हम इसी के साथ अगला भी देखते हैं। सवाल 20 नंबर, इसका भी फॉर्मूला होता है, cos inverse x = होता है पाई बटे टू होता है। तो देखिए पाई बटे टू है कहीं, क्या आंसर? हाँ है आंसर, ए में। तो इस प्रकार का जितना भी फॉर्मूला है हम आपको YouTube पर भी चढ़ा देंगे ताकि आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एक ऐप है जिस पर जाकर आप देख सकते हैं सारा मटेरियल। तो चलिए इसका पाई बटे टू आंसर होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कल इसी प्रकार का एक सवाल बताया था, साइन का उल्टा होता था कॉसेक, साइन का लंब बटे कर्ण होता था तो इसका कर्ण बटे लंब। आज उसी को विपरीत, कल 1/x दिया था, x वाला निकालना था, आज देखिए x वाला दिया गया है, 1/x निकालना है। तो टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। कल वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो है सेम उसी को फॉलो करते हुए इसका tan inverse x = cot inverse 1/x होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
कल हम ये बता चुके थे आगे। बहुत मस्त सवाल, ये भी हम कल बताए थे। हमारे पास सवाल क्या है, पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 4। तो पहले प्रश्न को उतारेंगे, tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 4। कल हम बताए थे अगर कोई भी त्रिकोण मितीय अनुपात इनवर्स में रहे तो सबसे पहले उसके थीटा के जगह पर इस्तेमाल किए गए चीज को हम देखेंगे कि संख्या यूज किया गया, कि चर यूज किया गया, अक्षर में भी कितने पदी चर यूज किया गया, तो देखते हैं। तो यानी त्रिकोण मितीय अनुपात कौन सा इनवर्स में है, tan इनवर्स में है, और उसके बगल में क्या यूज किया गया, संख्या यूज किया गया। तो हमने बताया था जब संख्या रहेगा तो सबसे पहले आप जाकर मान सारणी में 0 से 90 डिग्री तक में मैच कीजिएगा। अगर मैच हो जाएगा तो आप मान सारणी के मदद से बनाइएगा। तो चलिए इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच हम मैच करते हैं। तो क्या है जी, tan 0 डिग्री का मान होता है 0, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। तो देखे कोई नहीं मिला, तो जब नहीं मिला था कल हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे x प्लस y बटे 1 माइनस xy। बताए थे ना। अब देखिए ये और ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये अगर x होगा तो ये हमारा क्या होगा y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बैठा बैठ गया। तो चलिए आगे देखते हैं इसका होता क्या है। तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह पर 1/2 है, प्लस 1/4 देंगे, नीचे में 1 देंगे, माइनस 1/2 इंटू 1/4 दे दिए ना, आराम से उसको ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए और भी बेहतर लगेगा। tan इनवर्स 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 से 4 में भाग दीजिए, 2 बार में लगेगा, 2 एकम 2, अब 4 से भाग दीजिए, 1 बार में लगेगा, और नीचे में 1 को 1/1 लिखिए, 1/8 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर चलिए यहां पर आपका शेष बना देते हैं, यानी tan इनवर्स 2 एक 3/4, एक लंबा सा बटे देंगे, 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 8 का एलसीएम 8, फिर 8 माइनस कितना हो जाएगा 1, इसको बंद कर दीजिए। फिर tan इनवर्स 3/ कितना हो जाएगा 4, गुणा चिन्ह दीजिए, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ये 8 में से गया 7, तो 4 × 8 बच कितना रहा है जी, tan इनवर्स 6/7। कहीं भी tan इनवर्स 6/7 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, तो यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। कोई दिक्कत, इस पर संबंधित सवाल हम 2-3 पहले भी कर चुके हैं, तो आज समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आगे भी नहीं होगा अगर आप जुड़े रहे तो। आगे तो चलिए आगे बढ़ते, तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर, बहुत जबरदस्त सवाल है,
आप लोग देखते ही बना दिए होंगे, 100% गारंटी आप बना दिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले टेन इनवर्स एक है, टेन इनवर्स क्या है, एक है। अब हम क्या बताए थे, अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स में रहे तो उसके बगल वाला पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ध्यान देने के बाद देखेंगे कि वहां पर संख्या है या चर है। तो सबसे पहले देखिए इसके बगल में क्या है, संख्या है, और जैसे ही संख्या आएगा तो पहले उसको मान सारणी से मिलाना है, और मान सारणी में भी 0 से 90 तक ही मिलाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो चलिए 0 डिग्री का मान होता है 10 में 0, और 10 30 का मान होता है 1/√3, और 10 45 का मान होता है 1, यानी हमारे पास था 1, तो सारणी से मिल गया, तो हम सारणी का प्रयोग करेंगे। तो टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स ये टेन कितना डिग्री का, 45 डिग्री, तो 45 नहीं लिखना है, 45 को रेडियन में लिखना है, यानी पाई में व्यक्त करके लिखना है। तो पाई का मान होता है 180, और 180 में आप कितने से भाग दीजिएगा जो आपका 45 प्राप्त होगा, तो आप लोग कहिएगा 4 से, तो 4 से भाग दीजिए पाई में, आपका 100% क्या निकलेगा, 45 डिग्री। तो यानी 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, बच गया पाई बाय 4। तो इसका आंसर देखिए पाई बाय 4 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो सभी कहेंगे ए नंबर ऑप्शन में है, तो यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। कल इस फॉर्मूले का भी हमने इस्तेमाल किया था, और बच्चे देख कर कह सकते इस फॉर्मूले का कितना हुआ था। तो कल हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, हमने क्या इस्तेमाल किया था जनाब, पाई बटे 2। तो यानी देखिए कहां पाई बटे 2 है, तो ऑप्शन नंबर कहिएगा सी, तो इसका आंसर सी फॉर कैट होगा, यानी सी होगा आंसर, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फिर वही सवाल आया है जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था, तो देखते हैं कि वही सवाल है या अन्य कोई सवाल है। तो चलते हैं, तो प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, यानी सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को जब इनवर्स में देखा गया तो सबसे पहले उसके बगल वाले पर ध्यान जाता है, और बगल वाले पर ध्यान जाने के बाद देखने के लिए मिलता है 1/2, और देखने के मिलता है 1/3, यानी इसको पहले मान सारणी से मिलाया जाए। तो मान सारणी में 90 तक में पहले tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, और tan 90 का मान, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनंत। तो नहीं ना मिला, तो जब नहीं मिलता है तो आप इस्तेमाल करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, क्या बताए अभी तुरंत, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले ये अगर x तो ये y, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है, तो tan इनवर्स x का स्थान 1/2 प्लस 1/3, फिर नीचे 1/2 इंटू 1/3 आपका यही होगा। तो यानी tan इनवर्स का tan इनवर्स 3 2 का LCM 6, 2 से 6 में भाग दीजिएगा 3, प्लस में 3 से 6 में भाग दीजिएगा 2, अब बटे 1/1 माइनस 1/6,
यानी एस ब्रैकेट बंद, आराम से टेन इनवर्स कितना 5 और नीचे क्या हो जाएगा 6 और सिंपल सा बटे देंगे 1 और 6 का एलसीएम 6 तो 6 माइनस कितना 1। आराम से टेन इनवर्स 5/6 और यही 6 चला जाएगा ऊपर और फिर 6 में से 5 गया कट जाएगा 1 कितना हो जाएगा जी 10 इनवर्स 1। और ये जो 1 आया है आपको पता होगा यह 1 मान सारणी में पाया जाता है तो हम इसमें मान सारणी का प्रयोग करेंगे। तो मान सारणी का प्रयोग करेंगे तो टेन इनवर्स 1 का मतलब 10 कितना हो पाई बाय 4 का, तो 10 कैंसिल यानी पाई बाय इसका 4 आंसर होगा। कितना आंसर होगा पाई बाय 4 आंसर होगा। अब देखिए पाई बाय 4 ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे कि सर इससे पहले जो आप सवाल बनाते थे आपका जो यहां आंसर आता था यही हमारा सेटिस्फाई आंसर रहता था, परंतु यह भी यहीं पर आंसर होता है, परंतु ये जो मान निकला है वह मान सारणी में देखा गया इसलिए इसका एक स्टेप और बढ़ गया। और सब जो आता था उसमें जो मान यहां पर उपस्थित होता था वह सारणी में नहीं मिलता था इसलिए हम यहीं पर उसको छोड़ देते थे और वही हमारा आंसर हो जाता था, परंतु यहां पर जो प्राप्त हुआ वो सारणी से मैच कर गया इसलिए एक स्टेप और बढ़ गया, यानी इसमें कुछ चेंजिंग बदलाव देखा गया है इससे पूर्व बनाए गए सवाल से। तो चलिए इसका आंसर होगा पाई बाय 4। तो चलिए तो बच्चे अच्छे तरह से समझ गए होंगे तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। छब्बीस नंबर प्रश्न, बहुत जबरदस्त सवाल आया है, बहुत जबरदस्त। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत हार्ड है, नहीं अभी तुरंत हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बटे 2 होता है। कितना होता है जनाब पाई बटे 2 होता है। ये लाल वाला जो आ जाता है डिस्टर्ब कर देता है। तो चलिए कितना आता है पाई बटे 2 होता है। तो आप बोले होंगे कि यहां पर जब संख्या नहीं रहता था तब ना सर, नहीं ये इसलिए कि दोनों का थीटा समान होता था इसलिए, ये मत समझना कि यहां एक्स है इसलिए पाई बटे 2 होगा, ठीक ना। थीटा अगर समान रहेगा तो उसका मान हमेशा पाई बटे 2, चाहे यहां 1/2। अब सिंपल सा सवाल है साइन साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, याद रहे अगर 1/2 के जगह पर 5/2 या 1,00,000/2 दे दे, कुछ भी दे दे संख्या में, खाली दोनों का संख्या सेम होगा तो हर कंडीशन में उसका मान पाई बटे 2 ही होगा। जैसे आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े थे ना, अगर थीटा के जगह पर 30 डिग्री दोनों के थीटा पर देता था तो उसका मान 1 ही होगा, अगर थीटा के जगह पर 60 डिग्री दिया था तो उसका मान 1 ही होता, क्योंकि उसका वो नियम है 1 होगा। आप देख लीजिएगा घर में साइन, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर थीटा का मान एक बार 30 डिग्री रखकर
बनाइएगा, दोनों को हल कीजिएगा, एक के निकलेगा। फिर आप 60 डिग्री भी रख कर हल कीजिएगा, दोनों का मान एक के निकलेगा। आप 90 डिग्री रख कर देखिएगा, दोनों का मान योग करके एक के निकलेगा। उसी प्रकार यहां पर कुछ भी दे दे, अगर समान दिया तो उसका मान हमेशा पाई बटे टू होगा। यानी साइन इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा? पाई बटे टू। यानी साइन पाई का मान 180, दो से भाग दे रहे हैं तो 90, यानी साइन 90 का मान आप लोग जान रहे होंगे कितना होता है जनाब, एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो कहां एक नजर आ रहा है, कहां एक नजर आ रहा है? तो आप लोग कहिएगा अक्सर ऑप्शन सी में। तो सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन सी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अगला सवाल कह रहा है टेन इनवर्स 1, फिर क्या है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, फिर क्या है साइन इनवर्स माइनस 1/2। यही ना है? तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो सबका रेंज अगर आप याद रखिएगा ना, इसी का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में हम सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के इनवर्स के रेंज के ही बारे में बताया है। रेंज यानी इसका मान कहां तक यूज कर सकते, यही जैसे हम साइन का रेंज बताए थे, यानी माइनस पाई बटे टू से पाई बटे टू तक यूज कर सकते हैं, यानी 90 तक यूज कर सकते हैं। अब कोस इनवर्स का रेंज बताए थे, 0 से 180 तक यूज कर सकते हैं। तो आप पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा गणित इतना ईजी कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, टेन में एक किसका मान है जनाब? तो आप लोग कहिएगा टेन 45 डिग्री का। तो टेन 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 4। अब फिर कहिएगा कि कॉस में माइनस 1/2, तो कॉस का रेंज है भाई साहब 0 से 180 डिग्री, यानी माइनस वाला भी कोस में देखा गया है, क्योंकि 0 से 180 तक अगर जाता है, क्योंकि 0 से 90 तक ऑल ट्रायग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है, ऑल यानी सभी साइन कोस टेन कोटे कोसेक सेक सब प्लस में होता है, सब मान 0 से 90 डिग्री तक। परंतु 90 के बाद 90 से 180 में सिर्फ साइन और कोसेके प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो यानी कोस का रेंज है 180 तक, तो कोस का तो माइनस वाला मिलेगा, तो माइनस में मिलेगा ना माइनस 1/2, तो 120 डिग्री का है। तो कोस 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2π/3। 3 से अगर 180 में भाग देंगे 60, 60 दुना 120 प्लस साइन इनवर्स, और साइन का रेंज 90 तक है, और 90 तक में तो सब मान पॉजिटिव होता है, और यहां देखिए ना मान माइनस में दिया, तो कोई बात नहीं है, हम प्लस वाला मजबूरी में यूज करेंगे। तो प्लस वाला में 1/2 किसका होता है? साइन पाई बटे 6। हमने प्लस वाला यूज किया इसलिए इसका माइनस जो है ना अमानत है, माइनस क्या है? अमानत है। अगर माइनस वाला यूज होता तब ये माइनस ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, जैसे कोस में। तो ये टेन खत्म, तो पाई बाय बच गया 4, अब प्लस बच गया 2π/3, कॉस इनवर्स कॉस खत्म, साइन इनवर्स साइन खत्म, ये माइनस बचा, तो माइनस प्लस माइनस पाई बाय 6। अब इस सबका एलसीएम लीजिएगा ना तो 12 होगा, तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में लगेगा? 3 बार में, तो 3π होगा प्लस
तीन से बारह में भाग दीजिए चार बार में, तो चार दुना आठ पाई होगा, और छह से भाग दीजिए ना टू पाई होगा, नहीं होगा। अब देखिए तो आठ तीन ग्यारह पाई माइनस टू पाई बटे बारह, और जब घटाइएगा तो नौ पाई बटे बारह, तो हो जाएगा तीन तिया नौ, और बाद तीन चौके बारह, तो सब कहिएगा इसका आंसर होगा थ्री पाई बाय फोर। तो थ्री पाई बाय फोर ऑप्शन में देखिए आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन में कहिएगा सर सी में दिख रहा है, तो इसका सी चिन्ह लगाइए, यानी इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर सी। तो चलिए, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर नहीं समझे होंगे तो इसे देखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा इस चैप्टर का, फिर हमें लगता है आप स्वयं से बना लीजिएगा, पुनः इस वीडियो को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, खाली क्वेश्चन लिख लीजिएगा उसके बाद ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न में। अट्ठाईस नंबर भी सेम लगता है, उसी प्रकार है, फिर अट्ठाईस वही प्रश्न दोहरा गया है। चलिए उनतीस देखते हैं, वाह जबरदस्त सवाल है, आप लोग देखिएगा तो खुश हो जाइएगा। अब लग रहा है कि थोड़ा सा जटिल होगा, नहीं नहीं, अगर बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कितना इजी, तो हम स्वयं से बना लेते हैं, तो सही में बना सकते हैं, मगर देख कर आप घबराइए मत। आपको दिया गया है x प्लस वन बराबर दू, पहले इसका यूज कीजिए, यहां एक प्लस में उधर जाके माइनस में, तो दू माइनस एक यानी कितना निकला x का मान एक, कोई बात नहीं, इसका ना प्रमुख मान निकालना है, तो साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना एक दे दिए ना। अब देखिए साइन में एक किसका मान होता है, तो आप फटाक्स कहिएगा साइन नब्बे का मान एक होता है, तो कोई बात नहीं है, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स साइन नब्बे को हम लिखेंगे पाई बटे टू, यानी साइन और साइन इनवर्स खत्म, यानी आंसर क्या हो जाएगा पाई बटे टू। तो कैसा लगा ये सवाल, देखकर को तो आप चौंक गए होंगे, क्योंकि सवाल देखने में लगता है कि थोड़ा सा हट के बनेगा, परंतु इतना इजी होगा ये आप नहीं सोचे होंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा पाई बटे टू, तो बी होगा, कोई दिक्कत तो आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते आप। तीस नंबर कहां जा रहे हो, रुको यार, तीस नंबर भी आपको लग रहा होगा खुब्बे हार्ड, अब बनाएंगे ना तो इजीए लगेगा, ठीक ना, कोई हार्ड उड नहीं है। तो चलिए तीस नंबर, तो साइन का साइन दे दिए, अब पाई बटे थ्री है, अब माइनस साइन इनवर्स माइनस एक बटे टू ब्रैकेट में, नहीं फिर बड़ी ब्रैकेट, आप बचपन में पढ़े होंगे सरल करें, सरल करे में कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिए, किसका क्रिया कीजिए ब्रैकेट का, अगर ब्रैकेट का क्रिया होता है उसके बाद बाहर वाले को, तो बाहर वाले को बाद में हम भी देखेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को देखेंगे। तो साइन का साइन दे दिए, बड़ी ब्रैकेट दे दिए, पाई बटे थ्री को छोड़ दिए, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स दे दिए, अब इस पर ध्यान दीजिए, माइनस एक बटे दू साइन में आता है, कहिएगा नहीं सर, क्योंकि साइन का रेंज तो नब्बे तक न होता है, और नब्बे तक में साइन जो होता है ना सब मान प्लस में होता है, एक बटे दू तो होता है मगर माइनस में नहीं होता है, तो कहेंगे कोई बात नहीं है हम प्लस वाला यूज कर लेते हैं, काम चला लेते हैं जब माइनस वाला नहीं है, तो पाई बटे सिक्स का मान होता है एक बटे दू, तो माइनस है ना, हम यूज किए हैं प्लस वाला, तो यहां पर हम दे देंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस उतर जाएगा। तो चलिए बड़ी ब्रैकेट साइन और साइन इनवर्स खत्म, तो यहां पर देखिए, तो साइन बाहर में था
तो पाई बटे थ्री और ये माइनस आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो पाई बटे क्या हो जाएगा सिक्स। तो पहले ब्रैकेट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बाहर निकलिएगा। साइन का साइन और तीन और छ का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा जनाब, कहिएगा सर छ। तो तीन से छ में भाग दीजिए दो बार में, दो गुना पाई तो दो पाई होगा, और फिर छ से अगर छ में भाग दीजिएगा तो एक, एक गुना पाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पाई, ब्रैकेट बंद। तो यहां पर हो जाएगा साइन थ्री पाई बटे सिक्स, यानी थ्री से सिक्स दो बार में, तो बच गया साइन पाई बटे टू, यानी पाई का मान 180, उसमें दो से भाग दे रहे तो कितना बचा जनाब 90। तो साइन 90 का मान कौन नहीं जानता, एक होता है, कितना होता है एक होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो कहां एक आंसर में है, चलिए डी नंबर में। तो आपको पहले देख करके तो लगा होगा कि सवाल तो बड़का भारी भरकम होगा, मगर बनाने के बाद पता चला बहुत तेजी है। तो चलिए सिंपल सवाल, इस वीडियो को अगर आपको आसान तरीके से समझना है तो उसके लिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम गारंटी लेते हैं 100% समझ में आएगा और स्वयं से बनाइएगा, और एनसीईआरटी का तो एगो सवाल आपसे नहीं छूटेगा अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और अपना से बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल आया है, देखने के बाद तो लग रहा है कि बहुत लंबा प्रोसेस है मगर बहुत इजी है। देखिए साइन क्या है, साइन इनवर्स, फिर क्या है साइन कितना पाई बाय थ्री, बीच में क्या है जनाब इनटू है, टेन इनवर्स, फिर क्या है टेन थ्री पाई बाय फोर। ये तो सवाल में कहीं ना कहीं दिक्कत तो बुझा रहा है, इनटू तो नहीं होना चाहिए, फिर भी इनटू दिया गया है। अगर साइन इनवर्स साइन खत्म भी हो जाता है तो पाई बटे थ्री गुना उसका थ्री पाई बटे तो हो जाएगा थ्री थ्री कट जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये सवाल इज रॉन्ग है, ठीक ना, देख लेंगे क्योंकि तो प्लस या माइनस का बीच में चिन्ह होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हम पुनः बताएंगे क्योंकि सवाल में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर नजर आ रहा है। अगला प्रश्न, ये तो बहुत इजी और आसान सवाल है, आप लोग बना लीजिए, देखते बन गया होगा आपसे। सवाल है कॉस इनवर्स एक बटे दू, और दूसरा है टू साइन इनवर्स एक बटे दू। तो कत्ते आदमी बना लिया होगा, देखते जी कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, आ कॉस में एक बटे दू किसका मान होता है, कहिएगा कॉस साठ का, तो यानी कॉस पाई बाय थ्री का आ प्लस टू साइन इनवर्स, और इस किसका मान होता है जी साइन कितना का पाई बटे थ्री का, यही होता है। तो कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, साइन से साइन इनवर्स खत्म, बच गया पाई बाय थ्री और प्लस कितना बच गया टू पाई बाय थ्री, ये तो पाई बाय ये 60 डिग्री वो हो जाएगा आपका मिस्टेक, ये तो आपका हो जाएगा 30, 6 हो जाएगा नीचे 6 दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम 6 हो जाएगा,
यानी कितना हो जाएगा, दो पाई, छह से दो पाई यानी चार पाई बटे छ, तो कट रहा है दो दुना चार, दूतिया छ यानी टू पाई बटे थ्री। कहीं आपको टू पाई बाय थ्री आंसर नजर आ रहा है तो आप लोग कहिएगा डी नंबर में, तो चलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लिए ना, चलिए देख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न 33 नंबर, तो 33 नंबर जानते हैं बहुत इजी प्रश्न है, आपको लग रहा होगा हार्ड, मगर हार्ड नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। तो चलते हैं, कल भी इस प्रकार का हम प्रश्न बताए थे, तो टेन बड़ी ब्रैकेट टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13। आप देखिए सबसे पहले तो इनवर्स वाले के बगल में संख्या आया और यह संख्या कहीं भी नहीं मिलेगा आपको सारणी में, तो इसका सूत्र हम बताए थे, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy, यही होता है। तो चलिए बाहर वाले tan को इंतजार अभी करने दीजिए, इसका लिख लीजिए tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13, आ फिर नीचा में हो जाएगा 1 - 1/7 इंटू 1/13, तो इसका ब्रैकेट बंद। तो चलिए एक बार इधर और देखते हैं, जगह है तो टेन बाहर वाले को लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, तो टेन इनवर्स उसके बाद 7 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर ये 13 का पहाड़ा, 13 और 7 को गुना कर दीजिए, इक्यानवे, और 7 से भाग दीजिएगा 13 और प्लस 13 से 91 में भाग दीजिएगा 7, अब बटे फिर जाके 1/1 - 1/ कितना 91, ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर टेन का टेन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टेन इनवर्स ऊपर वाले क्या हो जाएगा 20/91, फिर नीचे वाले 91 - 1, यही ना होगा, 91 है ये मत समझना, 11 है, ब्रैकेट बंद। तो टेन इनवर्स 10 काट दीजिए, तो बचेगा 20/91 और गुना नीचे वाला 91 ऊपर, फिर 90, तो 91 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हो जाएगा 2/9, तो 2/9 है आंसर क्या ऑप्शन में, हाँ 2/9 आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो आप अच्छे तरह से देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 34 नंबर सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं। सवाल है साइन फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, सिंपल चुटकी बजाइएगा बस क्वेश्चन बन गया। तो चलिए ये साइन इधर किस चीज में, गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये साइन इधर किस चीज में, गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, और भाग में कहां जाएगा, नीचे, जैसे ऊपर जाएगा इस पर पावर किस चीज में आ जाएगा, माइनस, किस चीज में पावर आ जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन नीचे ना जाएगा, गुना में तो भाग, भाग नीचे है, फिर जैसे उसको ऊपर ले जाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, आप देखिए बचपन में पढ़े थे ना, एक्स पर पावर माइनस एम, 1/x पर पावर m, ये प्लस में है पावर तो ऊपर आता है किस चीज में, माइनस में जाता है, तो उसी प्रकार ऑलरेडी यहां पहले से कितना डेल था, एक डेल था, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख लीजिए, साइन में ये किसका मान होता है कहिएगा, 90 डिग्री का, तो साइन 90 को आप लिख सकते हैं π/2, तो साइन इनवर्स और साइन खत्म, यानी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इधर ही प्लस में उधर जाके माइनस में, आपको एक फॉर्मूला हम याद दिलाना चाहते हैं, अभी तुरंत हमने इसका फॉर्मूला यूज किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है जनाब, कहिएगा सर π/2, अभी तुरंत बताए थे ना, अब देखिए कॉस इधर किस चीज में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन इनवर्स एक्स π/2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, हमारे पास देखिए तो कौन सी है, चूंकि अब देखिए हमारे पास क्या है, π/2 माइनस कॉस एक्स है ना, वो किसके बराबर होता है, तो कहिएगा सर साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही बोले आप, देखिए तो आराम से इस बगल में एक तरफ क्या है, साइन इनवर्स 1/5 बराबर, ये पूरे का मान क्या होता है अभी तुरंत बताए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स मिल गया, एक्स का स्थान कितना 1/5, यानी एक्स का मान 1/5, कोई दिक्कत, एक्स का मान कितना निकला 1/5, अब 1/5 देखिए तो कहां ऑप्शन में, सी नंबर में, कहां है सी में, ये एनसीईआरटी बुक में भी है सवाल है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी, तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए ठीक ना, और इसे रिपीट करके भी आप वीडियो यूट्यूब पर जो चढ़ेगा वो आपको रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर हो चुका है, ये लीजिए आपके सामने 35 नंबर तो हम आपको बता दिए अभी तुरंत, इससे पहले 36 देखिए, 36 तो और जबरदस्त सवाल है, सबसे पहला नंबर सवाल में आप थ्योरी याद कीजिएगा, वहां पहले लिख लेते हैं, टेन का टेन 1/2 साइन इनवर्स 2a/1+a² यही ना है, अब प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1-a² / 1+a² थोड़ा सा वो पहला नंबर में जो हम बताए थे उसमें हो सकता है सूत्र की दिक्कत होगा,
तो आप, हम यहां पर बता देते हैं, ठीक ना, तो आप देख लीजिएगा। तो सिंपल सा सवाल, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आ रहा, ये देखिए, तो टेन का टेन दे दीजिए, कॉमन दोनों में क्या है, एक बटे दो, एक बटे दो बाहर कर लीजिए, फिर बचेगा साइन इनवर्स टू ए बाय वन प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या है, कॉस इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर बटे ए वन प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे, ठीक ना। तो आगे, तो आगे बताने से पहले इसके बगल में हम दो फार्मूला दर्शाएंगे। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही आपको जो पहला नंबर प्रश्न में हमने बताया था, फर्स्ट नंबर प्रश्न में तीन फॉर्मूला लिखाया था, तीन में से दो यहां इस्तेमाल हो गया, एक वहां इस्तेमाल। तो चलिए, तो यानी टेन एक बटे दो का एक बटे दो ब्रैकेट बंद, आप देखिए साइन यहां पर टू ए वन, तो वहां पर एक्स है, तो एक्स यहां एक्स है, तो इसलिए यहां एक्स यूज किया गया, और यहां ए है तो हम ए यूज करेंगे। तो टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, फिर एक्स है तो एक्स, फिर यहां कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा ए, दोनों में तो ए ही इस्तेमाल किया गया है, फिर तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले टेन एक बटे दो, इसमें फिर कॉमन कुछ आ रहा है, फिर कुछ कॉमन कितना आ रहा है, दो आ रहा है, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए, तो यानी टू टू कट गया, सिर्फ बचा टेन, अब ये भी जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स ए। तो हम फर्स्ट नंबर में भी बताए थे वही बात, इसका फार्मूला होता है टेन इंटू टू टेन इनवर्स एक्स, तीनों का तीनों फार्मूला यूज हो गया। तो देखिए फिर से एक हम लिख देते हैं इसी जगह, टू नहीं उसी जगह लिख देंगे बगल में, तो इसका होता है टेन इनवर्स टू ए बाय वन प्लस ए, सॉरी मिस्टेक, माइनस होगा यहाँ पर, प्लस नहीं होगा, वन माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना, ये होता है। तो टेन इनवर्स और टेन खत्म, टू ए बाय वन माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए तो कहाँ आंसर है, इसका बगल में हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि याद रहे, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, तीनों फर्स्ट नंबर में जो हम फार्मूला बताए थे तीनों का तीनों यहां इस्तेमाल हो गया, ठीक ना। तो चलिए कोई दिक्कत, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन जहां तक आज बताएं उससे आगे बताएंगे, एक दिन और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव चलेगा, फिर इसी प्रकार
चैप्टर 3 का भी पहले इंट्रोडक्शन होगा, पुनः उसका ऑब्जेक्टिव सल्यूशन होगा। तो बने रहें यूट्यूब चैनल पर ताकि आपको इसी प्रकार चैप्टर 1 से लेकर 13 तक का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक ना। और ये आपके बिहार बोर्ड के अनुकूल यानी उन्हीं पर आधारित VVI प्रश्न बताया जा रहा है, ताकि साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो और वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। ये सेशन 2024 से 25 के लिए बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले दिन पुनः इसके पार्ट 3 लेकर। आपका दिन शुभ हो।